अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने और अभी हम लोग जा रहे हैं उराक। और अभी हम लोग जा रहे हैं उराक करके एक जगह है जहाँ रेस्टोरेंट के अंदर एक बहुत अच्छे सा छोटा सा लैग बना हुआ है। सो वहाँ पर हम लोग चलते हैं और उसके पास में एक झील बनी हुई है, उसका नाम है हाला झील। और उधर अभी हम लोग जाएंगे उसके बाद, और अभी तो हम उराक जा रहे हैं। और अभी जो है उराक आने वाला है थोड़ी देर में, और थोड़ा जो है थोड़ा आधा घंटे का रास्ता था अभी, बस थोड़ी देर लगी थी हम लोगों को जाने में। सो बहुत मज़ा आया था वैसे हम लोगों को, लेकिन अब आपको मेरी पूरी जर्नी देखनी है और देखना है हम कहाँ कहाँ गए थे, कोयटा में कहाँ कौन कौन सी जगह है, और आपको विज़िट ज़रूर करनी चाहिए आके एक दफ़ा। और अभी जो है हम उराक आने वाले हैं, बस अपनी कार थोड़ी पार्क करेंगे और फिर उसके बाद एक रेस्टोरेंट आता है, वहाँ पर फूड भी अच्छा मिलता है और लाइक वहाँ पर जो है छोटी सी शॉप है कैंडी वगैरह की, चिप्स वगैरह की। और यहाँ पर जो है हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर जो छोटा सा प्यारा सा लेक बना हुआ है और कुछ यहाँ पर झील है, पहाड़ है छोटे से, बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये पानी बिल्कुल क्लियर था और सब यहाँ से पी भी रहते हैं क्योंकि साफ़ पानी था, बिल्कुल क्लियर पानी था ये। और यहाँ पर वो भी इतना ठंडा सा रहता है ना, आइस ज़्यादा बर्फ़ का पानी, वैसे बहुत क्लियर और इतना अच्छा लग रहा था। सबने पिया पानी तो, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। और अभी जो है हम लोग थोड़ी देर ही गए थे वहाँ पर, थोड़ी अपनी वीडियो शूट करी, और अब हम लोग जा रहे हैं हाला झील जो उराक के थोड़ा करीब है, 15 मिनट का रास्ता होगा सिर्फ। और उधर जो है पहाड़ हैं और थोड़ा सा पानी आता है, और वहाँ पर पिकनिक के तौर पे आप जा सकते हो और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर। और अभी हम लोग जो हैं वो उराक मतलब निहाल झील आ चुके हैं, यहाँ पर जो अभी हम लोग कार पार्क करें। तो हम जब गाड़ी से उठ रहे तो फिर इतनी ठंडी ठंडी हवा चली थी तो हमें थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी यहाँ पर। सो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग आए हैं यहाँ एक प्लेस है, वो मैं आपको बताती हूँ, नाम ही पता है इसका। और यहाँ इतनी ठंड हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ इतना मज़ा आ रहा है, हवा चली है। और सोचा जाए तो ऊपर माउंटेन्स पे चढ़े हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सामने ये देखिए आसिफ चाचू और यूसुफ चाचू दोनों पहाड़ में चढ़े हुए, पर यूसुफ चाचू और आसिफ चाचू जो माउंटेन्स पे चढ़ रहे हैं, और मैं भी अभी जाने वाली हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस अभी हम लोग आ गए माउंटेन्स पे, मैं भी चढ़ी हुई हूँ यहाँ पर। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, अभी हमें कहीं और भी जाना है, दो जगह अभी रहती हैं वो भी हमें लोग जाना है। सो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो अभी मैंने आपको उराक दिखाया था और हाला झील दिखाई थी, और अभी हम लोग जा रहे हैं हना लेक। वहाँ पर जो है थोड़ी बहुत राइड्स भी होती हैं, और वहाँ जो है माउंटेन्स वगैरह होते हैं और लेक बना होता है बड़ा सा, जहाँ पर आप बोट वगैरह चला सकते हो, और वहाँ भी बहुत मज़ा आता है। और वहाँ पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए, और तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी ऐसी
जब हम जगह जा रहे हैं ना वो 15-15 मिनट थोड़े दूर है, तो अभी ये भी 15 मिनट दूर ही है। और अभी जो है हम आगे हना लैक, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू हना लैक, और ये पूरा मतलब बना हुआ है अंदर से बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और बहुत ठंडी हवा चली थी, लेकिन ऐसा मतलब यहाँ पर कोयटा में जो है गर्मी नहीं होती। सो गाइस अभी हम लोग आए हनान लैक, और यहाँ पर जो है राइड्स भी थोड़ी बहुत, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ पर चलते भी हैं। सो अभी चलते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग ने कार पार्क कर दी, यहाँ पूरी पार्किंग बनी होती है, और इतने अच्छे लग रहे हैं माउंटेन्स विद सनराइज। और यहाँ पर जो है झील है मतलब पूरी, और लैग है, और इसके सामने इतने सारे राइड्स वगैरह हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी राइड्स हैं। यहाँ पर जो है एंटरटेनमेंट भी हो रहा था, यहाँ पर डांस हो रहा है, कोयटा का ट्रेडिशनल डांस है ये। अभी हम लोग जो है ये वाली राइड में बैठे थे, बहुत ही मज़ा आया था। तो अभी जो है हम हना लैक से जो है फारिग हुए थे, बहुत मज़ा आया, वहाँ पर हमने राइड्स ली और लैक देखा, झील देखी, बहुत मज़ा आया था। और अब हम लोग जो है जा रहे हैं, हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है वो है स्पिन कारस। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पर, भी एक झील है, लैक है, और बहुत ही अच्छा बना हुआ है वो। वहाँ पर माउंटेन्स बहुत ही हैं, आपको माउंटेन्स वहाँ पर इतने अच्छे लगेंगे, बहुत ही मतलब वहाँ ग्रीन्स, इतनी सारी चीज़ें, प्लांट्स और पहाड़ जो हैं माउंटेन्स, वो भी ग्रीन है पूरे, बस में ग्रासेस लगे हुए, वो इतने प्यारे लगते हैं दूर से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो है हम लोग आ गए हैं स्पिन कारस, और यहाँ पर आप देखो इतना प्यारा लग रहा है ये माउंटेन्स वगैरह, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था ये सब कुछ। और यहाँ पर जो है हम लोग ने बहुत इंजॉय किया, और आई होप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।